अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ की वजह से हम सब भी बिल्कुल खैरियत से हैं। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही यम्मी सा स्ट्रॉबेरी जैम। जिस तरह से अम्मी प्रिपेयर किया करती थी, बिल्कुल उसी तरीके से इसको प्रिपेयर करूँगी और इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 750 ग्राम्स स्ट्रॉबेरी, 2 कप चीनी, 1.5 टेबल स्पून लेमन जूस। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्ट्रॉबेरीज को कट कर लेंगे। बोल में ऐड कर देंगे स्ट्रॉबेरीज। इसमें ऐड कर देंगे चीनी। अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि इसका सिरप रिलीज हो जाए। कवर करके इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए रेस्ट देंगे। देखिए, तकरीबन 1 घंटा हो गया है और बहुत अच्छे से शुगर सिरप जो है वो रिलीज़ हो गया है। अब हम इसको ऐड कर देंगे पैन में। मीडियम टू स्लो फ्लेम पे हमें इसे कुक करना है। देखिए, तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं और शुगर जो है वो मज़ीद अच्छे से डिसॉल्व हो गई है। अब इसे स्टेज पे हम इसमें ऐड कर देंगे लेमन जूस ताकि क्रिस्टलाइजेशन अवॉइड हो सके। मिक्स कर देंगे अच्छे से। देखिए, अभी इस पे झाग बन रहा है। इट्स मीन ये अभी रेडी नहीं है। मैं आपको चेक भी करके दिखाती हूँ। एक प्लेट को मैंने फ्रीज़र में रख दिया था और ठंडा कर लिया था। देखिए, जब ये इस तरह से रनी फॉर्म में हो तो इट्स मीन ये तैयार नहीं है। अब तकरीबन 35 से 40 मिनट हो चुके हैं इसको कुक होते हुए और देखिए झाग भी बनना ख़त्म हो गया है। अगेन हम इसको ऐड करेंगे फ्रीज़र में रखी हुई ठंडी प्लेट में। देखिए, एक तो ये रनी फॉर्म में नहीं है और दूसरा, जब हम इसमें से फिंगर स्वाइप करेंगे इस तरह से, तो ये बिल्कुल आराम से 2 पार्ट में हो जाएगी। ये देखिए, इट्स मीन ये रेडी और बिल्कुल भी रनी टेक्सचर नहीं है। अब हम एक जार लेंगे और इसमें हम ऐड कर देंगे जैम। और इसको मज़ीद खूबसूरत सा बनाने के लिए हम इस पे पेस्ट कर देंगे ये स्टिकर। ये मैंने जेड से कह के प्रिंट आउट निकलवाया था और इसको मैं इस पे स्टिक कर दूंगी और इसकी लिड पे भी हम इसको स्टिक कर देंगे। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा जैम का जार। और ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये घर में तैयार किया हुआ है। ऐसा लग रहा है कि हम अभी अभी इसे मार्केट से लेकर आए हैं। सो इसका फाइनल लुक आपके साथ शेयर करती हूँ। फाइनल लुक हमारी आज की रेसिपी का, यमी स्ट्रॉबेरी जैम तैयार है। अंबर को भी बुलाते हैं कि वो आए और आके टेस्ट करें। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज हमारे घर में देखिए शुमाइला ने बेहतरीन कारनामा किया है और स्ट्रॉबेरी जैम घर में तैयार किया है। कितना डिलेक्टेबल है। और ये जार भी देखें, घर में प्रिपेयर किया गया है। ये सादा जार था जो कि इन्होंने परचेज़ किया था। फिर ये पूरा जो है होममेड स्ट्रॉबेरी 100% नेचुरल का ये प्रिंट आउट निकलवाया। शुमाइला ने गूगल सर्च किया, गूगल ने हेल्प की शुमाइला की और इसका प्रिंट आउट निकलवा के इसको खूबसूरत सा बना के प्रेजेंट किया है। तो बहुत प्यारा लग रहा है जार तुम्हारा। अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये जैम कैसा है, क्योंकि स्ट्रॉबेरीज मेरी फेवरेट है तो डेफिनेटली मुझे ये बेहतर पसंद आता। और ये मेरी वालदा की रेसिपी है क्योंकि मेरी अम्मी जैम्स बनाया करती थी रसबेरी के, स्ट्रॉबेरीज के। तो अभी आशुमाला ने जो ट्राई किया है वो स्ट्रॉबेरी का जैम। सो गाइस, मैं आपको जैम अप्लाई करके टोस्ट पे दिखाती हूँ। ये देखिए जनाब, ये हेल्दी फूड बच्चों के लिए, बड़ों के लिए जिनमें ब्लड की कमी है और वो स्ट्रॉबेरीज़ नहीं खाते, वो इस तरह से स्ट्रॉबेरीज़ उनको खिलाई जा सकती है। बच्चे तो बहुत शौक़ से खाते हैं, क्योंकि मैं खाती हूँ शौक से और मैं देखती हूँ ना लंच ब्रेक में बच्चे खा रहे होते हैं, तो आई रियली लाइक, मुझे बहुत पसंद है। ये देखिए कितने खूबसूरत मैंने जैम अप्लाई कर दिया है। आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसा बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडिंग ओवेशन डिजर्व करती हूँ। थैंक यू। इतना डिलेक्टेबल जैम है गाइस, ये गाल पे भी लग गया
बहुत मज़ेदार गाइस, ये लगेगा नहीं आपको कि ये घर का बना हुआ है। आप बड़े से बड़े ब्रांड्स जो हैं उनको भूल जाएंगे ये घर का बना हुआ अगर आप जैम खाएंगे। वाओ, इसके अंदर स्ट्रॉबेरीज का फ्लेवर आ रहा है, मैंने नहीं रुकना अब शुमाला। यार हेवनली बाइट है, वेल डन, वेल प्रिपेयर्ड, वेल प्रेजेंटेड। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा पैशन तुम्हारी रेसिपीज में नज़र आता है। सो बहुत मेहनत लगती है हर चीज़ को बनाने में और उसको प्रेजेंट करने में, तो बहुत खूबसूरत है। वेल डन गाइस, ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है, ये बेस्ट रेसिपी है। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। गाइज, ये बहुत ही मज़ेदार हेवनली टेस्टफुल रेसिपी है। बच्चों को लंच में आप ये देंगे और नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में, शाम में आप खा सकते हैं, बहुत इंजॉय करेंगे आप ये। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।